200 इंडियन फूड की बात ही निराली है। गोलगप्पे का नाम सुनते ही भैया मुंह में पानी सा आ जाता है, पाव भाजी की शक्ल देखते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और रसगुल्ला के जो दर्शन हो जाए तो भैया दिन ही बन जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिन फूड्स को आप उंगलियां चाट चाट के खाते हैं वो भारत के है ही नहीं बल्कि विदेशों से आए हैं। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, वरना आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो चलिए भाई जानते हैं सच में गोलगप्पा, पाव भाजी, इडली समेत आपके कई पसंदीदा आइटम्स भारत के हैं या नहीं। नंबर 1, पाव भाजी। दोस्तों, चटकारे मार मार के आप जिस पाव भाजी का स्वाद लेते हैं ना, ये असल में दोस्तों भारत की डिश है ही नहीं। जी हाँ, पाव भाजी तो भाई पुर्तगालियों की डिश है। इसमें भाजी नाम भारत का है, बाकी पुर्तगालियों का है। पुर्तगाल के लोग पाव को भाजी के साथ खाया करते थे, खासकर भाई लड़ाई के समय तो इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता था। पुर्तगाली लोग बची हुई सब्जी का मिक्सचर बना के उसे पाव से खाया करते थे। बाद में जब पुर्तगाली भारत आए तो पाव भाजी को भी ले आए, और जब ये डिश भारत में आई तो इंडियंस ने इसमें प्याज लहसुन के साथ मसालों का तड़का लगा दिया, और भाई बेस्वासी पाव भाजी को गजब का स्वाद दे दिया। नंबर 2, गुलाब जामुन। इंडिया में गुलाब जामुन के बिना भाई जो शादी होती है वो बेरंग लगती है। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही फूडीज के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे फूडीज, क्या आप जानते हैं कि गुलाब जामुन तो इंडिया का है ही नहीं। गुलाब जामुन जितना ज्यादा मीठा है, इसके इंडिया में आने की कहानी उतनी ही ज्यादा सैड है, क्योंकि जब ये इंडिया में आया ना तो कई लोगों को भाई अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इसे कोई और नहीं बल्कि मुगल्स भारत में लेकर आए थे, और उस समय गुलाब जामुन को लुकमात अल कदी कहा जाता था, और ये एक भाई पर्शियन डिश है। कहा जाता है कि मुगल्स इसे पर्शिया से लेकर आए थे, जबकि एक कहानी ये भी है कि एक पर्शियन शेफ ने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए एक स्वीट डिश बनाई थी, और गलती से भाई गुलाब जामुन बन गए, जो मुगल बादशाह को काफी पसंद भी आए। हालांकि देखिए, इसका प्रूफ नहीं मिलता है। नंबर 3, इडली। इडली के बारे में हम सभी की राय है कि ये एक साउथ इंडियन डिश है। अगर आप भी इडली के दीवाने हैं तो भाई जान लीजिए ये साउथ इंडियन डिश नहीं है बल्कि इंडोनेशिया की डिश है, जिसका रियल नेम है दोस्तों किडली। दरअसल जब हिंदू राजा इंडोनेशिया में राज किया करते थे तो वो शादी के लिए इंडियन लड़कियों को ही चुना करते थे। इस तरह जब वो भारत आए तो उनके साथ इडली भी भारत में आ गई, और किडली से भाई इडली बन गई। थोड़े टाइम के बाद इडली को सांभर के साथ भी खाने का रिवाज चल गया। इडली के बारे में दोस्तों एक कॉन्ट्रोवर्सी ये भी है कि इसे अरब्स अपने साथ भारत लेकर आए थे। स्टोरी चाहे जो भी हो, पर ये बात तो फाइनल है कि इडली इंडोनेशिया की ही डिश है। नंबर 4, समोसा। बाकी डिशेस का तो भैया पता नहीं, लेकिन समोसे के लिए मुझे भी लगता था कि ये तो अपना भारतीय होगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि अपना समोसा भी विदेशी निकला। इसका असली नाम है दोस्तों संबूसा या समोसा, और ये सेंट्रल एशिया से भारत में घुसा है। सेंट्रल एशिया में समोसे के अंदर मीट भर के खाया जाता था, लेकिन जब 10वीं शताब्दी में ये भारत आया तो उस समय भारत में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन थे, इसलिए इंडियंस ने समोसे के अंदर से मीट को निकाला और आलू भर दिया, और तभी से संबूसा इंडियंस के लिए बन गया समोसा। नंबर 6, राजमा चावल। डिनर में राजमा चावल मिल जाए तो भाई बात ही बन जाती है। पंजाब में तो राजमा चावल घर घर में मिलेगा, इसलिए जब भी राजमा चावल की बात आती है तो माना जाता है कि ये पंजाब की डिश है। और अगर आप भी यही सोचते हैं तो अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा रोकिए और बताइए कि राजमा तो भाई भारत में उगाए नहीं जाते, बल्कि ये तो मैक्सिको में उगाए जाते हैं और वहीं खाए जाते थे। लेकिन जब पुर्तगाली भारत में व्यापार और कब्जा करने के लिए आए तो वो राजमा को भी अपने साथ ले आए, तब से राजमा भारत में भी उगाया जाता है, और आज भैया हरियाणा पंजाब के लोगों की ये फेवरेट डिश में शामिल है, और वो इसे चावल के संग खाना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 7, हलवा। गाजर, सूजी, सेब और ना जाने किस किस चीज का हलवा भारत में पकाया जाता है और बड़े ही चाव से खाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हलवा भाई पहले हल्व हुआ करता था, जिसका मतलब स्वीट होता है। हालांकि ये कॉन्ट्रोवर्सी से भरा हुआ है कि हलवा पर्शियंस लेकर आए या फिर ये भारत की ही डिश है, क्योंकि जब पर्शियन भारत आए तो उससे पहले से ही भारत में हलवा खाया जाता था, इसलिए हलवा कॉन्ट्रोवर्सी से भरपूर है। नंबर 5, जलेबी। गोल गोल जलेबी तो भैया सबकी फेवरेट होती है, यार मेरी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि जलेबी तो भारत की है ही नहीं, ये तो भाई ईरान की है, जहां इसका नाम है जुलाबिया या जलाबिया, और ईरान में त्योहारों के सीजन में इसे बनाया जाता था, जो आज की जलेबी से काफी अलग हुआ करती थी। लेकिन भैया जब ये भारत में आए तो इंडियंस ने भी इसे स्वीट वाला मस्त तड़का मार के इसे और टेस्टी और अलग बना दिया, इसलिए आज जो जलेबी आप खाते हैं ना वो ईरान और भारत का मिक्सअप है। नंबर 9, पानी पूरी। क्यों भाई मुंह में पानी आ गया, अरे कंट्रोल कीजिए जरा, क्योंकि भाई जिस पानी पूरी को आप लोग विदेशी समझते हैं ये अपनी ही है। जी हाँ, पानी पूरी भारत की ही थी, भारत की ही है और भारत की ही रहेगी। कहा जाता है कि पानी पूरी महाभारत से जुड़ी हुई है। दरअसल एक बार द्रौपदी की स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा था, इस टेस्ट में द्रौपदी ने पानी पूरी बनाई जो माता कुंती को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसे अमर होने का वरदान दे दिया, और आज भी पानी पूरी को भारत में बड़े ही चाव के संग खाया जाता है, आप तो जानते ही हैं। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।